हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त रवि वर्मानी। मेरे से जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल रवि वर्मानी गाइडलाइन शो में। वेलकम टू ऑल ऑफ यू रवि वर्मानी गाइडलाइन शो। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट रवि वर्मानी, राइटर एक्टर। दोस्तों, कुछ लोग अपना यूट्यूब पे जो उनका चैनल होता है, चाहे वो आर्टिस्ट हैं चाहे वो अदर प्रोफेशन से हैं, जिन्होंने भी यूट्यूब पे चैनल बना रखा है और उस चैनल पे अपनी प्रोफाइल पिक लगाना अगर वो चाहते हैं और जिनको नहीं पता कि ये कैसे लगती है, तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और इसी टॉपिक के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि प्रोफाइल पिक जो होती है यूट्यूब चैनल पे वो कैसे लगती है। सिंपली वे में बताऊँ तो जैसे हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक या जो भी हमारी आईडीज हम लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे जैसे हम अपनी प्रोफाइल पिक लगाते हैं, उसका बेसिक रीज़न यही होता है कि ये हमारी आईडी है, सिंपल इज। तो ऐसे ही जैसे हमारा एक यूट्यूब चैनल है, अगर आपका यूट्यूब चैनल है जो भी वीडियो देख रहे हो, तो अगर आपने अपनी प्रोफाइल पिक नहीं लगा रखी तो वो आई थिंक वो माइनस पॉइंट है मेरे अकॉर्डिंगली। क्योंकि अगर आप प्रोफाइल पिक लगाओगे अपनी, तो तभी लोगों को पता लगेगा कि यार ये आपका चैनल है, राइट। तो इससे क्या होएगा, आपका चैनल ग्रो करेगा। इसका बेसिक जो मैं सोचता हूँ कि बेनिफिट है ना, वो साथ के साथ ये भी है कि आपका चैनल भी ग्रो करेगा। क्योंकि जिसको पता लगेगा कि यार ये अच्छा इस बंदे का चैनल है या इस बंदी का चैनल है, तो ऑब्वियसली वो जो भी आपके सर्कल में पर्सन होगा वो आगे शेयर भी करेगा, राइट। तो आज मैं ऐसी प्रोफाइल पिक के बारे में बात करने वाला हूँ। मैं सिंपली वे से समझाऊंगा आपको, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कि ये नहीं कि आपको मतलब लिखने की ज़रूरत है इतनी बड़ी चीज़ों को या देखने की ज़रूरत है। मैं जो भी बताऊंगा सिंपली वे में बताऊंगा, शॉर्टकट्स में। मतलब ये नहीं है कि 20 मिनट की वीडियो बना दूंगा मतलब 2-4 मिनट में ही मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ऐसे प्रोफाइल लगती है, जैसे कि आपको कल को दिक्कत ना आए, आप लगाने बैठो तो आप आराम से अपनी प्रोफाइल लगा दो वहाँ पे पिक। तो दोस्तों, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैं ना, जब मैं यूट्यूब पे देखता हूँ, तो बहुत सारे ऐसे अपने पर्सन्स हैं, यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब पे काम करते हैं, कईयों ने मतलब डीपी नहीं लगा रखी, प्रोफाइल पिक नहीं लगा रखी अपनी। तो वो थोड़ा सा मुझे लगा कि शायद लोगों को या तो पता नहीं है ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। तो और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, अभी से टॉपिक अच्छा लग रहा हो, तो लाइक कर देना, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आगे भी शेयर कर दें वीडियोस को। और ऐसे ही बस मुझे प्यार देते रहें और मैं आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करता रहूं और आप मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करते रहें ठीक है। तो मैं बात करता हूँ प्रोफाइल पिक की। आपने सबसे पहले क्रोम में जाना है। आप ध्यान से सुनना जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं, बस वो चीज़ याद रख लो, तो ऐसे ही आप कर लोगे ना वहाँ पे, तो इजी हो जाएगा। सबसे पहले आप अपना क्रोम ओपन कर लो। कर लिया आई हो, मुझे लगता है कर लिया होगा। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर आप वीडियो देख रहे हो भी मेरी, तो क्रोम कैसे ओपन करोगे। आप पहले पूरी वीडियो देख लो, फिर आराम से करना। कोई दिक्कत आए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसका सोल्यूशन आपको बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले आपने क्रोम ओपन करना है। क्रोम में वहाँ लिखना है यूट्यूब, ठीक है। फिर आपने अपना चैनल जो है यूट्यूब के साथ कनेक्ट करना है, राइट। डेस्कटॉप साइट पे जाना है, क्लिक करना है वहाँ पे। उसके बाद आपका चैनल खुल जाएगा, आपको भी पता है। जब चैनल ओपन हो जाएगा आपका, तो वहाँ पे आपने व्यू चैनल पे की ऑप्शन आएगी, ठीक है, ये याद रखना। व्यू चैनल पे क्लिक करोगे तो आपकी जो प्रोफाइल पिक छोटी सी बनी होगी और पीछे दूसरा बना होगा, और जो प्रोफाइल पिक होगी, आप ध्यान से सुनना, जब वो प्रोफाइल पिक होगी ना, तो प्रोफाइल पिक में आपके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका चैनल जो है वो ए नाम से है स्टार्ट, मान लो, या बी नाम से है, तो वही साइन होगा, ए लिखा होगा या फिर बी लिखा होगा, जिस नाम से आपका चैनल है, आपकी आईडी है, मतलब उसी नाम से पहले जो होगा ना सेंटेंस, वही वाला वहाँ पे लिखा होगा, ये याद रखना आप, ठीक है। तो उसी में देखोगे ना, बिल्कुल राइट साइड पे
ऊपर की तरफ कॉर्नर पे एक पेंसिल सी नजर आएगी, ठीक है, वो होगी, वो होती है एडिट की ऑप्शन, वहां पे आपने क्लिक करना है। अब जैसे ही वहां पे क्लिक करोगे तो एक शीट खुल जाएगी और उसमें लिखा आ जाएगा चूज योर फोटोग्राफ्स करके ऐसा, तो वहां पे आपने क्लिक करना है, जो आपके फोन में जितनी फोटोज होंगी वो सारी आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। फिर जो आपने प्रोफाइल पिक लगानी है वो थोड़ी हार्ड अच्छी होनी चाहिए, और बस उसको क्लिक करना है आपने, और वो जैसे ही ऊपर पहुंचेगी कुछ प्रोसेसिंग चलेगा 1-1.5 मिनट का वो होगा, उसके बाद नीचे एक ऑप्शंस आएगी सेव की, राइट, जब आप वहां पे सेव कर दोगे तो आपकी प्रोफाइल पिक लग जाएगी। सिंपल कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सा 2-3 स्टेप्स हैं वो करने हैं और प्रोफाइल पिक लग जाएगी, तब आप को लगेगा कि मैंने अपने चैनल को अच्छा बना लिया। जैसे हम लोग अपनी सिंपली बात करें तो जैसे हम लोग कुछ भी करने लगते हैं, कोई काम करने लगते हैं, हम सोचते हैं ना कि इसको और अच्छे से अच्छा करें, बस वही चीज़ है। अगर आपका YouTube चैनल है तो उस पर प्रोफाइल पिक आपकी अच्छी लगी होनी चाहिए, जिससे आपको ही कल को फ़ायदा हो। मेरा मतलब कहने का, बोलने का, वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि आप लोगों के चैनल को भी लोग कहेंगे यार बहुत अच्छा चैनल है, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को शेयर ज़रूर करना, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लोगों को आगे भी बोलते रहें कि सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो। रवि वर्मा की गाइडलाइन शो हमेशा कुछ ना कुछ फ़ायदे के लिए ही, जो भी वीडियो बनाता है वो आपका बेनिफिट हो, जिसमें वही चीज़ मेरी थिंकिंग होती है कि मैं बनाऊं, और रवि वर्मा की राइटर एक्टर हमेशा आपके लिए जो भी आपके कमेंट्स में आपके क्वेश्चंस आते हैं उस पर भी वीडियोज़ मैं बनाता हूँ। तो ज़रूर कोई अलग तरह का भी आपको कुछ सोच हो कि ये रवि वर्मा ने हमें यह चीज़ बता सकता है, तो ज़रूर मुझे कमेंट करना, अगर मुझे लगेगा कि मैं इस बारे में आपको बता सकता हूँ तो ज़रूर बताऊँगा, क्योंकि मेरे को खुद को नॉलेज होगी देन मैं तभी बताऊँगा आपको, और जिस चीज़ की भी मेरे को नॉलेज होती है मुझे कोशिश होती है कि यूट्यूब से रिलेटेड जो चीज़ें मुझे पता हैं और आर्टिस्ट लाइन से रिलेटेड जो चीज़ें मुझे पता है वो मैं हमेशा चैनल पे लाता रहूँगा, और आगे भी बहुत सारी वीडियोस ऐसे ही बनाऊंगा। और ज़रूर शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।